स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। कन्नौज में पहली बार प्रभारी मंत्री संदीप सिंह का दौरा कुछ चकाचौंध नजर आ रहा है। इस बार संदीप सिंह जिले के दौरे में अपनी शांत शैली के विपरीत आक्रामक दिखे। उन्होंने गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों को हो रही दिक्कतों पर केंद्र प्रभारियों को फटकार लगाई तो सर्व शिक्षा अभियान में लापरवाही बरतने वाले एनपीआरसी प्रभारी को निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए। प्रभारी मंत्री का ये बदला हुआ रूप देखकर जिले में अफसर भी इस बार हल्का नजर आए। एक साल पहले योगी सरकार ने अपने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह को कन्नौज का प्रभारी मंत्री बनाया था। संदीप सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र हैं। लोभी बाहुल्य होने के कारण कल्याण सिंह की कन्नौज में एक बड़ी जमीन है। यहाँ उनका मान भी बहुत है। उन्हीं की संस्तुति पर संदीप सिंह को कन्नौज का प्रभारी बनाया गया था। पिछले एक साल से उनके दौरे खाना पूरी ही नजर आए, लेकिन इस बार वो पूरे बदले नजर आए जब प्राइमरी विद्यालय के निरीक्षण पर संदीप सिंह अचानक सदर तहसील के मानीमऊ प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो वहां के न्याय पंचायत संसाधन केंद्र पर निःशुल्क वितरण होने वाली पुस्तकें लावारिस हालत में पूरे कमरे में फैली पड़ी थी। ये देख प्रभारी मंत्री का पारा चढ़ गया और उन्होंने केंद्र प्रभारी जितेंद्र कटियार को सस्पेंड करने और खंड शिक्षा अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का फरमान सुना दिया। मंत्री के फरमान के बाद बीएसए ने दोनों पर मंत्री के आदेशानुसार कार्रवाई भी कर दी। कन्नौज से मोबिन मंसूरी की रिपोर्ट। मैं यहाँ पे स्कूल के निरीक्षण के लिए आया हूँ और यहाँ पर जो भी काफ़ी सारी खामियां पाई गई हैं, सफाई कर्मी नहीं है और सेक्रेटरी जो है यहाँ पे उनकी भी गलती पाई गई। सफाई कर्मी सही से नहीं आ रहे और खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जैसे मैंने यहाँ कमरे में देखा कि कुछ किताबें पड़ी हुई हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।